राफेल के दस्तावेज हुए चोरी, यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। मायावती ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के अत्यंत चौंकाने वाले बात कही है कि राफेल के दस्तावेज चोरी हो गए हैं। जिस जगह पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पे कैसे हो सकती है चोरी। मायावती ने साफ किया कि राफेल विमान खरीद से संबंधित अहम गुप्त दस्तावेज रक्षा मंत्रालय ने चोरी हो गए सत्यानाश। मोदी सरकार द्वारा देश का ये कैसी चौकीदार है? क्या देश हित व देश की सुरक्षा वाकई मजबूत हाथों में नहीं है? बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने तुरंत प्रेस रिलीजिंग करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय से राफेल लड़ाकू विमान सौदे के अहम व गुप्त दस्तावेजों के गायब हो जाने की खबर अति दुर्भाग्यपूर्ण, अति शर्मसार व अति गैर जिम्मेदारी है। मायावती ने यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सनसनीखेज रहस्यमय तरीके से दस्तावेजों का चोरी हो जाना, पहले से ही नरेंद्र मोदी सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए थी। देश हित व देश सुरक्षा के मामले में वह विफल साबित हुए हैं। बहन कुमारी मायावती ने यहां तक कहा कि देश ने अब समझ लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस प्रकार का गंभीर व घातक खिलवाड़ श्री नरेंद्र मोदी सरकार में ही मुमकिन है। बहन जी ने बोलते हुए कोई कमी नहीं छोड़ी और यहां तक कह डाला, अब नई अदली हुई परिस्थितियों में माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने निगरानियों में समुचित जांच अवश्य करानी चाहिए ताकि देश की संतुष्टि मिल सके। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूर्व सुश्री मायावती जी ने लखनऊ को 7 मार्च को देश की रक्षा मंत्रालय से ही राफेल लड़ाकू विमान सौदे के अहम व गुप्त दस्तावेजों को गायब हो जाने की खबर को अति दुर्भाग्यपूर्ण, अति शर्मसार व अति गैर जिम्मेदारी बताते हुए श्री नरेंद्र मोदी सरकार में ही मुमकिन हो पाया है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही होती तो शायद देश को ये पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी गंभीर घटना केंद्र सरकार की नाक के नीचे घटित हो रही है, जो कि देश की 130 करोड़ जनता के साथ धोखा है। बहन जी ने कहा कि चिंतित कर रही हैं कि अब खासकर लोकसभा आम चुनाव के समय में ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वाकई देश हित व देश की सुरक्षा सुरक्षित मजबूत हाथों में है। जैसा कि दावा किया जाता है कि पहले पुलवामा और अब राफेल के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केंद्रीय की बीजेपी सरकार अपनी घोर विफलता व वादा खिलाफी आदि के लोगों को ध्यान बांटने की कोशिश में लगातार कर रही है। लोगों को अब राफेल का मामला केवल भ्रष्टाचार का ही नहीं लगता, बल्कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में चिंता व राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और अब देश ने ठान लिया है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है और एसटी एसटी ओबीसी के समाज जिस तरीके के 13 पॉइंट रोस्टर पे विवाद चल रहा है और बहुजनों के लोगों के साथ उनको उनके आत्मसम्मान की जिंदगी नहीं मिल रही है, इसलिए अब जनता सबक सिखाएगी 2019 के अंदर। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।